मंत्री जी, मुझे मेरी दुकान खोलने दीजिए। मैंने 4 महीने से अपनी दुकान नहीं खोली है। अगर मैंने कुछ दिन और दुकान नहीं खोली तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ मंत्री जी, मैं भी यही कहूँगा, इसको इसकी दुकान खोल लेने दीजिए, वरना हमारी गरीब जनता का क्या होगा, मिडिल क्लास लोगों का क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ तुम्हारी दुकान के चक्कर में हम अपनी जनता को इस वैश्विक महामारी के मुंह में तो नहीं धकेल सकते। मंत्री जी, अब काफी टाइम हो चुका है, महामारी ये जो कोरोना चल रही है, इसके मरीज कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हमारी मिडिल क्लास जनता के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतने लंबे समय तक घर बैठकर खा सके। हमें इस बीमारी के साथ लड़ लड़ के जीना होगा। आप क्या सोच रहे हैं मंत्री जी? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसकी दुकान का मालिक मैं ही हूँ और इसने मुझे 4 महीने से दुकान का किराया भी नहीं दिया है। अगर ये दुकान नहीं खोलेगा तो मुझे किराया कहाँ से देगा? अबे तुझे अपने किराए की पड़ी है और यहाँ मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ और कल से अपनी दुकान खोलूंगा। तुम्हें जो करना है कर लेना। ठीक है, हम तुम्हें दुकान खोलने की परमिशन देते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। वो क्या मंत्री जी? वो सारी शर्तें हम तुम्हारे राज्य के मंत्री को बता देंगे, तुम उनसे जाकर पता कर लेना। ओके, यहाँ पर हम अपनी मीटिंग दरखब खत्म करते हैं, आप जाओ अपने अपने घर।